हाय गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स अड्डा। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड है और आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन को, जिसको पॉपुलरली हम चैन रूल के नाम से जानते हैं। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम एक शायरी का यूज करेंगे। आपको उस शायरी को मैथ से रिलेट करना है। तो शायरी कुछ इस तरह से है कि मैं जिसे चाहूँ वो किसी और को चाहे, मैं जिसे चाहूँ वो किसी और को चाहे, और खुदा करे कि वो जिसे चाहे वो भी किसी और को चाहे। इसका मतलब ये है, इसको मैथ से अगर जोड़ेंगे कि वाई फंक्शन है यू का, वाई फंक्शन है यू का, और यू किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, वो एक्स है। मतलब इसको अगर डिफरेंशिएशन में लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे कि वाई फंक्शन है यू का, मतलब डी वाई बाई डी यू, और यू फंक्शन है एक्स का, मतलब डी यू बाई डी एक्स। और हर बार हमको क्या निकालना रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो डी यू और डी यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। अब इसको और समझने के लिए एक सवाल का यूज़ करते हैं। वाई बराबर थ्री प्लस फोर एक्स बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस पूरे फंक्शन को हम यू मान लें तो यू बराबर थ्री प्लस फोर एक्स बाई टू माइनस एक्स। तो अब ये क्या हो गया कि y बराबर यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अगर y बराबर यू स्क्वायर लिख दिए तो y किसका फंक्शन हो गया, u का। तो हम क्या लिखेंगे, dy वाई बाई डी यू, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2u। अगर हमने ऐसा मान लिया है कि u बराबर 3 प्लस फोर एक्स बाई टू माइनस एक्स, तो हमको अब u किसका फंक्शन हो गया है, x का। तो मतलब कि du यू बाई डी एक्स निकालेंगे, और u बाई v वाले फार्मूला से अगर सॉल्व किया जाए तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा। और फाइनली जब इसको हम dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx निकालते समय हमको dy बाई du इंटू du बाई dx करना होगा। तो ये इसका वैल्यू इतना निकाला हमने और इसका वैल्यू इतना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट इतना आ गया। तो इस तरह से हम चैन रूल का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, और मैंने दो प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दिया है और इसका आंसर भी लिख दिया है। इसको आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे सकूं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिफरेंशिएशन कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स का, फंक्शन का, और इसको और ज़्यादा आसानी से करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला प्रॉब्लम है अपने सामने, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो आपको जो एक ट्रिक याद रखना है कि बाहर से अंदर सोचना है। बाहर से अंदर सोचने का मेरा मतलब क्या है कि ये पूरे फंक्शन को एक बार में सोचना है। मतलब पूरे फंक्शन को एक बार में सोचना है, इसका मतलब कि आपको एक फार्मूला पता है कि डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो अगर ई टू द पावर एक्स के जगह पे कॉस एक्स रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई टू द पावर कॉस एक्स ही। लेकिन बाहर से अंदर सोचना है तो अंदर में क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये टोटली कितना आ गया, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। फिर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस प्रॉब्लम को खुद से एक बार सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। ये प्रॉब्लम y इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन होल टू द पावर फाइव बाई टू है। फिर वही काम करना है हमको, बाहर से अंदर की ओर सोचना है। तो बाहर मतलब कि इस पूरे फंक्शन को हम एक बार में सोचेंगे। तो एक बार में सोचेंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, x टू द पावर n वाला। तो n x n माइनस वन, मतलब कि पूरे फंक्शन को हमने लिख दिया, n को यहाँ पे लिख दिया और n माइनस वन को यहाँ पे। अब बाहर क्या सोचने का काम हो गया, अब अंदर का सोचने का काम मतलब कि इस पूरे फंक्शन को फिर सोचेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में,
इसको सॉल्व करने पे ये इतना आ गया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको अरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मेथड टू है, इसके लिए चैन रूल को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे मेथड टू में। मेथड टू में चैन रूल को अगर अप्लाई करेंगे तो हमको कुछ सपोज करना होगा। तो सपोज करते हैं कि u बराबर 5x² - 7x + 3 = 13, तो y बराबर क्या आ गया u^5/2, तो dy/du बराबर इतना आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब du बराबर u किसका फंक्शन हो गया, x का, तो du/dx, और u बराबर हमने इतना सपोज किया था तो ये इतना आ गया। अभी हमको क्या निकालना है, dy/dx। आपको पता है कि dy/dx बराबर dy/du (du/dx). अब दोनों को फिर अरेंज करके लिखेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। मतलब दोनों तरीकों से हम सोच सकते हैं, आपके पास दो मेथड है, आप जैसे भी चाहें सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ आपके लिए फिर से होमवर्क है जो, और उसका आंसर भी मैंने दे दिया है जो आपको घर पे ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी करना है वीडियो को, ताकि अच्छा फीडबैक आए तो मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच।